विद्यार्थियों आपके बीच आज ये डेट में 86 नंबर क्वेश्चन है। किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? आपके बीच ऑप्शन में है 1988, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी है 1963। विद्यार्थी उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1982 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों अगर क्लास पे पहली बार आए तो क्लास शेयर जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थी अपने कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकें। तो विद्यार्थियों इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पैलेस ऑन व्हील्स भारत की एक विशालदायी रेलगाड़ी है और इसकी भारतीय रेल द्वारा राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चला गया था और पैलेस ऑन व्हील्स का आरंभ 1982 के भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को किया गया था और पैलेस ऑन व्हील्स की संकल्पना इसके यानों की शाही अंदाज से ली गई थी जिनका निर्माण उद्देश्य पहले राजपूताना गुजरात एवं अन्य रजवाड़ों के शासकों एवं ब्रिटिश भारत के वायसराय तथा हैदराबाद के निजाम के लिए किया गया था। विद्यार्थियों इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि क्वेश्चन से बेहतर मैं जो व्याख्या बताता हूँ इसको अच्छे से पढ़ लिया करिए क्योंकि इससे कम से कम 5 क्वेश्चन बनेंगे और जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा उससे आपका केवल एक ही क्वेश्चन फंसेंगे। तो इससे आपको ये रहेगा कि पूरी तरीके से आपको जानकारी रहेगी और कहीं से भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर सटीक जवाब दे पाएंगे। इसी कड़ी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। विद्यार्थियों आपके बीच 87 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया था? आपके बीच ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है 1974, दूसरा ऑप्शन है 1961, तीसरा ऑप्शन 1971, चौथा ऑप्शन है 1973। विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए आंसर पर क्लिक करिएगा। किस वर्ष में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम का निर्माण बंद कर दिया गया था? क्वेश्चन वेरी मोस्ट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1971 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि 1950 चितरंजन रेल कारखाने में भारत का पहला भाप इंजन तैयार किया गया था और 1971 में यहां भाप इंजनों का निर्माण पूरी तरह बंद कर दिया गया और इसमें डीजल इंजन बनाए जाने लगे। ठीक है विद्यार्थियों इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। विद्यार्थियों आपके बीच 88 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन दोबारा रिवीजन हो रहा है और मोस्ट क्वेश्चन है, फंसेगा जरूर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके बीच ऑप्शन में भी है, पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन गोरखपुर, चौथा ऑप्शन मुंबई टीटी। विद्यार्थी उसकी अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नई दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि उत्तर रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है और इसे लघु रूप में उरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरे। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 में हुई थी और इसकी मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके अंतर्गत आने वाले मंडल हैं दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ और उत्तर रेलवे यानी मुरादाबाद। ठीक है विद्यार्थियों इसी जानकारी के साथ याद रख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। 89 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके बीच ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है मुंबई वीटी, दूसरी ऑप्शन है गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन गोरखपुर, चौथा ऑप्शन नई दिल्ली। क्या कह रहा है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी अगर राइट आंसर की बात करें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोरखपुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है और इसे लघु रूप में NER कहा जाता है।
नॉर्थ ईस्ट रेलवे। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है और इसके अंतर्गत आने वाले मंडल हैं इज्जत नगर, लखनऊ, वाराणसी। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया था गुरु। विद्यार्थियों आपके बीच 90 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे यानी NEFR के मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके बीच ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है मलगीन यानी गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन चेन्नई, चौथा ऑप्शन गोरखपुर। विद्यार्थियों अगर इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा मलगीन यानी गुवाहाटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे भारतीय रेलवे की एक इकाई है और रेलवे बोर्ड मंत्रालय के अधीन कार्यरत 16 जोनल रेल में से एक है और इसे लघु रूप में NFR कहा जाता है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुवाहाटी के मालीगांव में स्थित है। जैसा कि नाम है पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सभी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा त्रिपुरा को स्पर्श करता है, ठीक है, इसी से होकर जाती है। तो विद्यार्थियों इसी जानकारी के साथ आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि क्लास पे आए हैं तो सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर ज़रूर करिएगा। मैं चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थी अपने कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकें। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं सबसे हट के सबसे अलग नज़ारे से और सभी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी।